हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, शेड्यूल के हिसाब से आपको जो कंसेप्ट है रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब इस वीडियो में हम इकोलॉजी जो है इसका एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अक्सर न्यूज में भी रहता है और काफी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट ये एक तरह से है आपका इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का, जो है हम कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। अब देखो, वैसे दो टर्म्स अलग अलग होती है, एक होती है आपकी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज और एक होती है आपकी एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज बेसिकली वो होती है जो अपने नेचुरल हैबिटेट से निकलकर किसी दूसरे हैबिटेट में सरवाइव कर रही है, ठीक है, तो उसको हम एलियन स्पीशीज बोलते हैं। लेकिन इन्वेसिव टर्म हम कब यूज करते हैं? इन्वेसिव टर्म हम वहां पर दोस्तों यूज करते हैं जहां पर जो ये एलियन स्पीशीज है जो अपना हैबिटेट छोड़कर किसी दूसरे हैबिटेट में है, ठीक है। इन्वेसिव हम इसको तब बोलेंगे जब ये उस दूसरे नेचुरल हैबिटेट में जिसमें ये गई है वहां पे जो वहां की नेचुरल स्पीशीज थी, वहां की नेचुरल स्पीशीज की पॉपुलेशन थी, उसको ये हार्म करना शुरू कर दे, उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो तब हम क्या टर्म यूज करते हैं? हम तब टर्म यूज करते हैं अपना इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको जो है फंडा जो है क्लियर होना चाहिए एलियन स्पीशीज में और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज में। अब एलियन स्पीशीज कैसे बनती है? देखिए, जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई टेरिटरी है, वहां पर एक नेचुरली स्पीशीज रह रही है, ठीक है, तो वहां पर बैलेंस बना रहता है फूड चेन की वजह से, जो आपकी फूड चेन जो नेचुरल फूड चेन चलती है उसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। पर एक ऐसी स्पीशीज आ गई जो उस इस एरिया की, जो ये नेचुरल एरिया है, इसकी फूड चेन का पार्ट नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल स्पीशीज है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए, जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, जो ये एलियन स्पीशीज से इन्वेजन होती है, इससे आपका पहले तो जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। पहले जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज होगा विल इंक्रीज, पहले ये इंक्रीज करेगा। पहले इंक्रीज करने का कारण ये है कि अब देखिए, जब स्पीशीज वो इन्वेसिव स्पीशीज उस जगह पर पहुंची तो ऐसा तो नहीं है कि साथ की साथ ही जो नेचुरल स्पीशीज थी उस एरिया में उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ समय लगता है, ये चीजें थोड़ा सा समय लेती हैं, ऐसा नहीं होता कि रातों रात या एक ही दिन में ये सब चीजें हो गई, ठीक है, तो उस समय के लिए ये जो है इंक्रीज करेगा। पर अल्टीमेटली जब वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट में उसमें जो स्पीशीज थी, जो नेचुरल स्पीशीज थी उस हैबिटेट की, वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि कुछ समय बाद जो डाइवर्सिटी है it will ultimately start decreasing। तो ये आपको फंडा जो है क्लियर होना चाहिए, उसके बाद डाइवर्सिटी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। तो कई बार यूपीएससी जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, आपको यूपीएससी इन्वेसिव स्पीशीज पर उसने प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और उसने क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज द डाइवर्सिटी इन द रीजन विल इंक्रीज, ठीक है, तो आप कहोगे कि यार इन्वेसिव एलियन, आप अपना दिमाग वहां पर चलाना शुरू करोगे, जो प्री में बहुत ज्यादा चलता है, प्री में हमारा दिमाग वैसे भी 200% एफिशिएंसी से चलना शुरू हो जाता है, जो वन ऑफ द रीजन है कि हमारे एग्जाम नहीं क्लियर होते क्योंकि हम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से उसको चलाना शुरू कर देते हैं, दिमाग चला चला कर चीजें एज्यूम कर उसमें जो है प्रेशर डालते रहते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया अब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आई तो नेचुरल स्पीशीज जो है वो डिक्लाइन करेगी, तो ये इंक्रीज वाली तो स्टेटमेंट गलत होगी और आप सबसे पहले कांटा मारोगे उसके ऊपर, वाह वाह मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, और एज्यूम करके चलोगे कि आपने 2 नंबर प्रीलिम्स में हासिल कर लिए। पर घर आकर जब थोड़ा सा चेक करोगे, इंटरनेट पर रिसर्च करोगे, इंस्टीट्यूट की आंसर कीज देखोगे, तो 2 नंबर हासिल तो क्या ही होने थे,
0.67 मार्क्स जो है उसका लॉस लेकर आ गए। तो इन चीजों का ध्यान इसीलिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो है ये इंट्रोड्यूस होने का कारण क्या है? ये इंट्रोड्यूस होने का कारण ये है कि एक तो आपका जो है सबसे पहले आता है इसमें आपका बैलेंस्ड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक कारण है। अब ये होता क्या है, जैसे देखिए शिप्स के थ्रू ट्रेड होता है तो शिप का जो बॉटम एरिया होता है वहां पर पानी स्टोर किया जाता है ताकि वो बैलेंस वगैरह मेंटेन उसमें किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल आपकी शिप कनाडा से चली, कनाडा से उसने इंडिया आना है, ठीक है, और कनाडा में उसमें जो है लोडिंग वगैरह हो गई और इसमें बॉटम में यहाँ पर कनाडा से ही समंदर से उठा के पानी भर दिया। ठीक है, समंदर से ही उठा के भरते हैं, टूटियां नहीं लगाई होती उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पानी भर दिया इसके अंदर। अब ये इंडिया में लाकर इसको खाली कर देंगे, ये पानी को लाकर इंडिया में खाली कर देंगे क्योंकि शिप खाली हो गई तो ये पानी को भी निकाल देंगे। तो जब इन्होंने कनाडा में उसमें पानी भरा था तो वो उस पानी के साथ कई बार जो लोकल वहां की जो फिश स्पीशीज होती हैं वो भी उसमें आ जाती है और फिर वो इंडिया में आकर रिलीज हो जाती है और इंडिया में आकर दे एक्ट एज द एलियन स्पीशीज और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है जो आपके वेरियस इम्पोर्ट्स होते हैं, फूड इम्पोर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू काफी सारे फंगस बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो भी एज ए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आपके देश में आ जाते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। माई फ्रेंड, यू कैन लिंक इट टू द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। इकोनॉमी से भी आप इसका लिंक कर सकते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है ये, सॉरी, ग्रोइंग ट्रेड का, ग्रोइंग इकोनॉमी का एनवायरमेंटल इंपैक्ट है ये। ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके नुकसान बहुत सारे होते हैं जो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होती है, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो उस एरिया की जो हैबिटेट है उसमें जो वहां की लोकल स्पीशीज है उसको लॉस सफर करना पड़ता है। लॉस कैसे सफर करना पड़ता है, अब आप एक बात समझिए कि एक इंडिया का जैसे क्लाइमेट है, ठीक है, डेजिडियस टाइप ऑफ यहाँ पर ट्रीज हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज आ गई, ठीक है, डेजिडियस टाइप ट्रीज हैं, थोड़ा कम पानी इनको चाहिए। अब कोई ऐसी यहाँ पर स्पीशीज आ गई, कोई ट्री ऐसा आ गया जो बहुत ज्यादा पानी की जिसको रिक्वायरमेंट होती है और अपने आसपास के एरिया का जितना वो पानी है उसको सबको वो सक कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बाकी के आपके ट्रीज हैं उनके लिए वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है, आई गेस इसमें आप लोगों को किसी में इस चीज में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके अलावा इसका और नुकसान क्या होता है, नेटिव स्पीशीज का डिक्लाइन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया। ठीक है, अब कोई इन्वेसिव स्पीशीज है वो अगर फॉर एग्जांपल कुछ आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, आपकी वाटर बॉडी को डिग्रेड कर रही है, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आप निकल कर आ सकता है, ये भी इसका नुकसान है। क्लियर है, तो मैराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इससे डिग्रेड हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये सब जो है इसके नुकसान आपके होते हैं। अब कुछ एग्जांपल जैसे आते हैं हमारे पास इन्वेजिव स्पीशीज के, जैसे एक आपका नीडल बुश होता है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका से पूरे इंडिया में फैल गया। क्लियर है, एक ब्लैक वेटल होता है, ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से आया वेस्टर्न घाट्स की में। गोटवीड, ये भी अमेरिका में था लेकिन अब इंडिया में पूरे में फैल गया, स्प्रेड हो गया क्योंकि पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो ये सारे जो है इसके इम्प्लीकेशंस आपके होते हैं। तो यहाँ पर ये आज हमने छोटा सा बिल्कुल दोस्तों कंसेप्ट समझा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का। आई होप आपकी यहाँ पर क्लैरिटी बनी होगी। तो जुड़े रहिए अभी पीडिया के साथ ताकि आपके ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हम छोटे छोटे वीडियोज में क्लियर करते रहे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहे, सिविल सर्विसेज का आपका प्रीलिम्स का 2020 का जो अटेम्प्ट है वो दूर नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।